नमस्कार क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों आज हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का एक इजी और छोटा चैप्टर है जिसका नाम है पॉलीमर्स तो इसके कंसेप्ट इससे निकलने वाले क्वेश्चन और अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो हम डिस्कस करेंगे देखिए बच्चों जो छोटे चैप्टर होते हैं और इजी चैप्टर होते हैं इनको जरूर करके जाना हुआ क्योंकि इनसे इजी क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर को पढ़ने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो आपको सीक्वेंस मेंटेन रखना है वीडियो लेक्चर देखना है उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने हैं जो कि आपको केमिस्ट्री पेज डॉट इन वेबसाइट पे मिल जाएंगे एटलीस्ट 300 से 400 सौ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं डीपीपीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लास्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ये सब कुछ हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल ऐप में अवेलेबल है तो चलिए शुरू करते हैं पॉलीमर्स तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन देखिए जो पॉलीमर वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है एक होता है पॉली जिसका मतलब होता है मैनी यानी कई सारे और दूसरा वर्ड है मर इसका मतलब होता है यूनिट और पार्ट इसका मतलब पॉलीमर कई सारे यूनिट और पार्ट के आपस में जुड़ने से बनता है तो पॉलीमर को हम लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं काफी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा होता है 103 से लेकर 107 जीरो सेवन यू तो दे आर फॉर्मड बाय द जॉइनिंग ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑन लार्ज स्केल मतलब एक छोटा पार्ट बार 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 रिपीट होके एक बहुत बड़े मॉलिक्यूल को बनाता है दैट इज कॉल्ड पॉलीमर क्लियर अब देखो बच्चों द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर पॉलीमर बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन तो ये दो तीन जो वर्ड है वो आपको याद रखने व्हाट इज पॉलीमर व्हाट इज पॉलीमराइजेशन व्हाट इज अ रिपीटिंग यूनिट एटसेट्रा तो ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट होती है इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स तो हर पॉलीमर का एक मोनोमर होता है एक या एक से ज्यादा मोनोमर पॉसिबल है ऑल मोनोमर्स आर ज्वाइंट बाई कोवलेंट बॉन्ड तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ प्रोसेस जिस प्रोसेस से पॉलीमर बन रहा है मोनोमर का मतलब क्या हुआ कि वो छोटी रिपीटिंग यूनिट जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करती है और पॉलीमर मतलब लार्ज मॉलिक्यूल मैक्रो मॉलिक्यूल अब जो पॉलीमर है उनका यूज क्या है तो बच्चों हम चारों तरफ से पॉलीमर से घिरे पड़े हैं फ्रिज uh, में पॉलीमर है एसी में पॉलीमर है हमारा जो पेंट है वो पॉलीमर है फर्नीचर पॉलीमर है जो हमने कपड़े पहने हैं वो पॉलीमर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो टायर यूज होते हैं वो पॉलीमर होते हैं पैकेजिंग बैग्स पॉलीमर होते हैं हम लोग जो यूटेंसिल यूज कर रहे हैं उसमें पॉलीमर है बकेट पॉलीमर है, है बच्चों के खिलौने पॉलीमर है एवरीथिंग वी यूज्ड मोस्ट ऑफ इज पॉलीमर क्लियर अब पॉलीमर बनते कैसे हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है वो स्ट्रक्चर प्लास्टिक पॉली एथीन तो जो पॉली एथीन है वो कहां से मिलकर बना होता है इट इज पॉलीमर ऑफ एथीन तो एथिन यानी सी एस टू डबल बॉन्ड सी एस टू और इसके एन मॉलिक्यूल एन मतलब कई सारे मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम इस तरह से शो करते हैं देखो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर और इन दोनों बॉन्ड के बीच में स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में एन एन का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट क्लियर तो जो रिपीटिंग यूनिट हुई यानी जो मोनोमर हुआ वो कौन सा हुआ एथिन, और जो पॉलीमर हुआ उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्लियर हो गया नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स तो अलग अलग तरह से पॉलीमर को क्लासिफाई किया गया है पहला क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स तो ये तीन तरह का होता है नेचुरल पॉलीमर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर तो नेचुरल पॉलीमर जो सीधे नेचर से हमें मिलते हैं जैसे प्रोटीन हो गया सेलिडोज हो गया स्टार्च हो गया और रेजिन एंड रबर हो गया इनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है डायरेक्ट दे आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस दूसरे सेमी सिंथेटिक नेचुरल सोर्स से मिले हुए पॉलीमर को थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके उसको और यूजफुल बनाया जाता है दिस इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जैसे सेल्यूलोज डेरिवेटिव सेल्यूलोज एसिटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट सेल्यूलोज एसिटेट इज आल्सो कॉल्ड रियोन तीसरा सिंथेटिक पॉलीमर जो कि लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया जिसको हमने पॉली भी बोला और सिंथेटिक फाइबर जैसे नाइलोन सिक्स सिक्स सिंथेटिक रबर जैसे बुना एस अब एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम सॉल्व करते हैं अमंग द फॉलोइंग ए नेचुरल पॉलीमर इज देखो पॉलीएथीन टेफ्लॉन और पीवीसी ये सिंथेटिक पॉलीमर है सैल्यूलोज इज ए नेचुरल पॉलीमर दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर तो तीन तरह का स्ट्रक्चर पॉलीमर में देखने को मिलता है पहला लीनियर पॉलीमर पॉलीमर में जो पॉलीमर होता है वो लॉन्ग और स्ट्रेट चेन बनाता है ऐसा आपको हाई डेंसिटी पॉली में देखने को मिलता है और दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी कभी कभी शॉर्टकट भी आपको याद रखने पड़ते हैं तो पॉलीविनाइल क्लोराइड को पीवीसी और हाई डेंसिटी पॉली को एच भी कहा जाता है तो ये दोनों एक तरह के लीनियर पॉलीमर हुई डायग्राम आपके सामने दिख रहा है कि कई सारे फाइबर लीनियरली अरेंज्ड होते हैं दूसरा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर यानी लीनियर पॉलीमर के बीच में कुछ ब्रांचेस डेवलप हो जाती है ऐसा आपको देखने को मिलता है लो डेंसिटी पॉलीएथिन में एल डी पी लो डेंसिटी पॉलीएथिन अगर ब्रांचिंग होगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी और तीसरे टाइप के पॉलीमर है क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर क्रॉस लिंक और नेटवेल पॉलीमर केवल उन्हीं पॉलीमर में पॉसिबल है जहां पर मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है फंक्शनल ग्रुप की वजह से एक चेन दूसरे चेन से क्रॉस लिंक कर देती है और वो जो क्रॉस लिंक्ड होता है इट इज ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड पॉलीमर की एग्जाम्पल है बैकेलाइट एंड मेलामाइन क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लीनियर पॉलीमर तो भाई हाई डेंसिटी पॉलीएथिन लीनियर है सेलिडोज ऑल्सो लीनियर पॉलीमर पॉलीएस्टर ऑल्सो लीनियर पॉलीमर बैकेलाइट देखो ऊपर एग्जाम्पल मैंने लिखा है बैकेलाइट इज ए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर तो आंसर हो गया ए उसके बाद आ जाओ तीसरे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन तो यहां पर दो तरह से पॉलीमर बनते हैं एक है एडिशन पॉलीमर्स और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो दो तरीके से पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है पहले बात करते हैं एडिशन देखिए एडिशन पॉलीमर्स तभी बनेंगे जब मोनोमर के पास डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा यानी मल्टीपल बॉन्ड वाले मोनोमर आपस में जुड़ के एडिशन पॉलीमर बनाते हैं अब एग्जांपल देखिए जैसे पॉलीएथीन किससे मिलकर बना है एथीन से मिलकर है एथीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है दूसरा पॉलीप्रोपीन किससे मिलकर बना होता है प्रोपीन तो यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो जब डबल बॉन्ड वाले मोनोमर आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रो एडिशन रिएक्शन तो वहां पर एडिशन पॉलिमराइजेशन होता है क्लियर अब देखिए बच्चों एडिशन पॉलिमराइजेशन में दो तरह के पॉलीमर होते हैं एक होते हैं होमोपॉलीमर और दूसरे होते हैं कोपॉलीमर होमोपॉलीमर में केवल एक ही मोनोमर होगा इट हैज सिंगल मोनोमर यानी सिंगल रिपीटिंग यूनिट होगी जबकि कोपॉलीमर में टू डिफरेंट मोनोमर होते हैं लेकिन दोनों के पास डबल बॉन्ड होंगे कंडीशन क्या होनी चाहिए दे मस्ट है डबल बॉन्ड तो कोपॉलीमर में दो मोनोमर होते हैं और होमोपॉलीमर में केवल एक ही मोनोमर होता है अब होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है पोली जहां पर जो है एथिन आपस में कनेक्ट बनाते हैं केवल एक ही मोनोमर है जबकि कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है बुना एस एन बुना एन यहां पर दो मोनोमर है एक है वन थ्री ब्यूटाडाइन दूसरा है स्टाइरिन तो दोनों के पास डबल बॉन्ड है तो इस तरह का इसका पॉलीमर बनेगा जिसका नाम होगा बुना एस जो ब्यूना है वो ब्यूटा डाइन से आया है और जो एस है वो से डेवलप हुआ है इसलिए इसका नाम पड़ा ब्यूना एस अब आ जाओ कंडेंसेशन पॉलीमर कंडेंसेशन का मतलब ये होता है बच्चों कि जब दो यूनिट को हम हीट करते हैं तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडें तो कंडेंसेशन पॉलीमर में मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है दे मस्ट हैव बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप या तो दो होंगे या तो तीन होंगे अब जब बाई और ट्राई फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर आपस में कनेक्ट होते हैं तो वहां से कुछ छोटे मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं जैसे वाटर, एल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड एग्जाम्पल है टेरिलीन जिसको हमने डेक्रोन भी बोला है डेक्रोन टेरिलीन दोनों एक ही है दूसरा है नाइलोन सिक्स सिक्स और तीसरा है नाइलोन सिक्स और भी बहुत सारे हैं तो नायलोन 6, 6, नायलोन 6 और टेरेलिन या डेक्रोन कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है क्योंकि यहां पर जो मोनोमर यूज हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है फॉर एग्जाम्पल नाइलोन सिक्स की बात करें फॉर एग्जाम्पल नाइलोन सिक्स की बात करते हैं इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथालीन डाई अमीन एंड एडिपिक एसिड देखो तो हेग्जामिथालीन डायअमीन में दो अमाइन ग्रुप है और एडिपिक एसिड में भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो यहां पर जो है नाइलोन सिक्सिस इस तरह का पॉलीमर देखने को आपको मिलता है और जहां पर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे अब दो क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड सॉल्व करते हैं पहला क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर एडिशन पॉलीमर उन पॉलीमर में होगा जिनमें मोनोमर में डबल बॉन्ड होते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमर उन पॉलीमर में होता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो देखो बच्चों अब पहला बात करें पॉली तो पॉली एक तरह का एडिशन पॉलीमर्स है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड में डबल बॉन्ड होता है सी टू डबल बॉन्ड सी एच और सी एल है ना तो यहां पर भी जो है एडिशन होगा बेकेलाइट बेकेलाइट में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो यहां पर जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा और टेरिलीन यानी डेक्रोन तो यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है तो यहां पर भी कंडेंसेशन होगा तो पहले के दो कंडेंसेशन और बाद के दो एडिशन दूसरा नाइलॉन 66 बिलोंग टू द क्लास ऑफ अभी हमने डिस्कस किया था हेक्सामिथालिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड तो इट्स बिलोंग टू द कंडेंसेशन पॉलीमर्स तो कंडेंसेशन पॉलीमर है लेकिन कैसा पॉलीमर है बच्चों हाइड्रोपॉलीमर है हाइड्रोपॉलीमर का मतलब होता है दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर तो आंसर हो गया डी तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्स तो जितनी भी पॉलीमर चेन होती है वो एक मोलिकुलर फोर्स के थ्रू कनेक्टेड होती है ये मोलिकुलर फोर्स कई चेन को आपस में बाइंड करने के काम आता है देर आर टू टाइप ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्स एक होता है वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू वंडर वाल फोर्स अब ये जो दोनों फोर्स हैं इसी के वजह से इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं तो तीन मैकेनिकल प्रॉपर्टी पर हम लोग डिस्कस करेंगे पहला टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब किसी फाइबर को आप खींचो तो वो कितनी देर में टूटता है दूसरा इलास्टिसिटी जैसा रबर होता है रबर को हम खींचते हैं तो वो लंबा हो जाता है छोड़ते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है और तीसरा टफनेस वो कितनी देर में ब्रेक होता है तो ये तीनों प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं वंडरवाल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फोर्स पर डिपेंड करती है इन तीनों फोर्सों को कंपेयर करेंगे तो पहला हमारे पास है इलास्टोमर इलास्टोमर मोस्टली रबर लाइक सॉलिड या रबर लाइक पॉलीमर में पाया जाता है तो इलास्टोमर या रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब कि रबर को हम खींचते हैं वो लंबा हो जाता है और छोड़ते हैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चला जाता है तो अब हम इलास्टोमर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे तो जो इलास्टोमर पॉलीमर है यहां पर जो पॉलीमर चेन होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स क्योंकि ये खींचने पर लंबा हो जा रहा है तो इसका मतलब यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकेस्ट है वीकेस्ट सबसे वीक फोर्स है अब यहां पर जो वीकेस्ट फोर्स है वो पॉलीमर चेन को स्ट्रेच करने में हेल्प कर रहा है अगर फोर्स स्ट्रांग होगा तो पॉलीमर चेन स्ट्रेच नहीं होगी तो बच्चों इसका मतलब यह हुआ पॉलीमर चेन के बीच में कहीं ना कहीं क्रॉस लिंकिंग है तो यह जो क्रॉस लिंकिंग है ये स्ट्रेच करने के काम भी आती है और उस पॉलीमर को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर भी पहुंचाने के काम आती है तो यह सब चीजें हमें रबर या रबर लाइक -like पॉलीमर में देखने को मिलती है जैसे ब्यूना एस हो गया ब्यूना एन हो गया नियोप्रीन हो गया ये सब जो है इलास्टोमर के एग्जाम्पल है। दूसरा है फाइबर्स फाइबर्स मतलब धागे अच्छा फाइबर्स सिंथेटिक भी हो सकते हैं एंड नेचुरल भी हो सकते हैं नेचुरल फाइबर सिंथेटिक फाइबर से काफी सारी प्रॉपर्टी में अलग होते हैं तो हम यहां पर सिंथेटिक फाइबर की बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है बच्चों नाइलोन सिक्स सिक्स एंड पॉलीएस्टर जिसको हम टेरिन भी बोलते हैं ये याद रखना ये आपने पढ़े होंगे और जो फाइबर है वो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होते हैं अब यहां पर जो फाइबर है उनमें डिफरेंट जो पॉलीमर चेन होगी वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से कनेक्टेड होती है और यहां पर मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है क्योंकि फाइबर को हम ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर सकते हैं और जनरली फाइबर जो है स्ट्रेस देने पर इजिली ब्रेक नहीं होता तो बच्चों फाइबर की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है दे हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ एंड हाई मॉड्युल यानी अगर इनको आप खींचो तो ये आसानी से ब्रेक नहीं होते हैं और दूसरा आसानी से स्ट्रेच भी नहीं होते हैं कम स्ट्रेच होते हैं तो यहां पर कौन से फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स इन्वॉल्व होता है तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कई सारी पॉलीमर चेन को एकदम क्लोजली पैक्ड रखता है और आपको पता है अगर दो चेन आपस में क्लोजली पैक्ड होगी तो वो लगभग एक क्रिस्टलिन नेचर के जैसे दिखेंगे जैसे क्रिस्टल होता है ना उसमें कई सारे मॉलिक्यूल आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं तो इसी तरह फाइबर का अरेंजमेंट होता है नाइलोनसिक्सिस और पॉलिएस्टर दोनों फाइबर के एग्जाम्पल है अब तीसरे तरह का है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर देखो थर्मो थर्मो का मतलब हीट तो ये जो पॉलीमर है हीट की वजह से कुछ ना कुछ अपने आप को चेंजेस करेंगे तो ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं दे आर मोस्टली लीनियर बट स्लाइटली ब्रांच ब्रांचिंग कम होगी लेकिन लीनियर चेन मॉलिक्यूल होंगे ये हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूल cool करने पर हार्ड हो जाते हैं यानी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका शेप चेंज हो सकता है अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स इन्वॉल्व है तो इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इन्वॉल्व होते हैं ये इंटरमीडिएट होते हैं इलास्टोमर के एंड फाइबर के यानी फाइबर से कम होंगे लेकिन इलास्टोमर से ज्यादा होंगे तो अगर मैं तीनों पॉलीमर में फोर्स को कंपेयर करूं तो सबसे स्ट्रांग फोर्स आपको मिलने वाला है फाइबर में उसके बाद मिलने वाला है थर्मोप्लास्टिक में और बच्चों सबसे कम होगा आपका इलास्टोमर में एग्जाम्पल है पॉली एथिन एंड पॉलीविनाइल्स लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर ये लगभग लगभग थर्मो प्लास्टिक के जैसे ही बिहेव करते हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ चेंजेस हैं ये जो पॉलीमर है ये हाईली क्रॉस लिंक्ड होते हैं यानी हाईली ब्रांच पॉलीमर होते हैं जबकि थर्मोप्लास्टिक में ब्रांचिंग कम है और लीनियर मॉलिक्यूल ज्यादा है अब अगर इनको हीट करो तो ये अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं क्योंकि इनमें क्रॉस लिंकिंग ज्यादा होती है लेकिन बच्चों अगर एक्सटेंसिव हीट हमने कर दी है तो ये अपने शेप को चेंज करेंगे और अगर कूलिंग करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पर नहीं आएंगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें आता है बैकेलाइट यूरिया फॉर्मेडिहाइट रेजिन अच्छा बैकेलाइट के बारे में आपने सुना होगा जो यूटेंसिल होते हैं उनके जो हत्ते हैं जैसे प्रेशर कुकर का जो हत्ता है जहां पर वो काले कलर का एक पॉलीमर लगा होता है वो बैकेलाइट का बना होता तो है जनरली हीट करने पर ये अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों थर्मोसेटिंग पॉलीमर अब क्वेश्चन लगाते हैं इन कंसेप्ट से तो पहला क्वेश्चन है ए थर्मोप्लास्टिक अमंग द फॉलोइंग तो थर्मोप्लास्टिक मतलब डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड तो यहां पर बच्चों बी पॉलीस्टाइरीन पॉली और पॉलीविनाइल थर्मो प्लास्टिक के एग्जाम्पल है क्लियर दूसरा अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर द स्ट्रॉगेस्ट मॉलिकुलर फोर्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रॉगस्ट मॉलिकुलर फोर्स आर प्रेजेंट इन फाइबर तो फाइबर में जो स्ट्रोंग मॉलिकुलर फोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिपीटेडली सॉफ्टन ऑन हीटिंग तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है पॉलीस्टाइरिन एंड पॉलीएथीन यानी वन एंड फोर तो आंसर हो गया बी नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मॉलिकुलर फोर्स तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें है नाइलोन सिक्स सिक्स में क्योंकि ये फाइबर है तो यहां पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले आ गया ब्यूना एस उसके बाद आ गया पॉली और उसके बाद आ गया नाइलोन सिक्स एंड सिक्स क्लियर दूसरा भी ऐसे ही करना है नाइलोन सिक्स सबसे ज्यादा पॉलीविनाइल बीच में और नियोप्रीन नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है जो कि इलास्टोमर है तो सबसे ज्यादा हो गया नाइलोन सिक्स उससे कम पीवीसी और सबसे कम न्योप्रीन यानी इलास्टोमर्स क्लियर इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को आपने लगाना है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जब पॉलीमर बनता है तो किस मैकेनिज्म के थ्रू वो ग्रोथ करता है वो ये क्लासिफिकेशन आपको बताएगा तो कुल मिला के हमारे पास दो तरह के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है एक होती है एडिशन पॉलीमराइजेशन और दूसरी होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एडिशन पॉलिमराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन और कंडेंसेशन को हम जो है स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन भी बोलते हैं तो बच्चों ये जो चेन ग्रोथ है और जो स्टेप ग्रोथ है ये डिपेंड करती है कि मोड ऑफ पॉलिमराइजेशन या पॉलिमराइजेशन की मेकेनिज्म किस तरह से हो रहा है यानी पॉलिमराइजेशन किस तरह से हो रहा है पॉलीमर का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है तो पहले बात करते हैं एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन एडिशन पॉलिमराइजेशन उन मोनोमर में होगा जिनमें मल्टीपल बॉन्ड होंगे या जहां पर अनसे मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं जैसे एल्कीन एल्काडाइन या उनके डेरिवेटिव दूसरी चीज एडिशन पोलिमराइजेशन में को पोलिमराइजेशन भी होगा और होमोपोल पोलिमराइजेशन भी होगा यानी मोनोमर सेम भी हो सकता है और मोनोमर डिफरेंट भी हो सकता है तो ये आपस में जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल को बनाते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया था अब यहां पर जो चेन ग्रोथ है वो किस तरह से होती है तो जो चेन की लेंथ है या जो चेन ग्रोथ है इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ या तो फ्री रेडिकल आइदर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पेसिस यानी बीच में फ्री रेडिकल बनेंगे या आयनिक स्पेसिस बनेंगे और वो आपस में जुड़ते 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 एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करेंगे लेकिन बच्चों जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसके थ्रू एडिशन या चेन ग्रोथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयनिक स्पेसिक्स तो हम यहां पर जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चेन ग्रोथ का डेवलपमेंट पड़ेगी क्लियर तो बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अब जैसा आपने एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में देखा होगा कि एलकीन को फ्री रेडिकल में कौन चेंज करता है तो बच्चों यहां पर आपको एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है और उस कैटलिस्ट का नाम है फ्री रेडिकल जनरेटिंग इनिशिएटर यानी एक ऐसा केमिकल एक ऐसा कैटलिस्ट जो फ्री रेडिकल को जनरेट करवाता है तो यहां पर मोस्टली परोक्साइड का यूज किया जाता है एज ए फ्री रेडिकल जनरेटर जैसे बेंजोइल परोक्साइड परऑक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटाइल परऑक्साइड ये तीन परऑक्साइड आपको याद रखने हैं तो बच्चों होता क्या है कि जब हम पॉलीमर बनाते हैं तो जो मोनोमर है यानी जो एथिन है उसको हम बेंजोइल परऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं और उसको हीट करते हैं या लाइट के साथ एक्सपोज करते हैं ताकि पहले रेडिकल जनरेट हो जाए उसके बाद वो आपस में मिलकर चेन को ग्रोथ करवाते हैं। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वो तीन स्टेप में पूरी होती है इनिशिएशन प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन इनिशिएशन का मतलब होता है कि पहले फ्री रेडिकल बनते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन का मतलब होता है ए फ्री रेडिकल अटैक ऑन फ्रेश मॉलिक्यूल टू गिव अनदर फ्री रेडिकल एंड ग्रोथ ऑफ चेन डेवलप वहां पर चेन बड़ी होती है और टर्मिनेशन का मतलब यह होता है कि दो फ्री रेडिकल आपस में मिलके एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं और बाद में चेन की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है अब इनको बारी बारी से हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप तो बच्चों यहां पर ये एक कैटल स्टेप बेनजोल पर जिसका फॉर्मूला होता है सी सिक्स दो तरफ सीओ है और बीच में ओ है तो ये क्या करता है क्लीवेज के थ्रू क्लीवेज होता है और इस तरह का एक फ्रीडेडिकल बनाता है अब यहां पर क्या होता है कि सीओ टू रिमूव हो जाता है और एक दूसरा रेडिकल जिसका नाम है फिनाइल फ्रीरेटिकल सी सिक्स एच फाइव डॉट ये बन जाता है। अब जो फिनाइल फ्रीरेडिकल है वो एथीन को फ्री रेडिकल में चेंज करता है देखो यहां पर एथीन का फ्री रेडिकल में चेंज होना जरूरी है तो यहां पर इस तरह से फिनाइल मॉलिक्यूल एथीन फ्री रेडिकल बनाता है और खुद उसके साथ अटैच्ड रहता है अब जो ये एथीन फ्री रेडिकल है ये दूसरे फ्रेश मॉलिक्यूल यानी दूसरी एथीन मॉलिक्यूल से जुड़ के उसको रेडिकल में कन्वर्ट करता है और साथ में उसके साथ मिलके चेन को ग्रोथ करवाता है तो पहले स्टेप में हमने फ्री रेडिकल बना दिया उसके बाद चेन प्रोपोगेशन स्टेप में एक रेडिकल फ्रेश मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर चेन को ग्रोथ करवाता जाता है और साथ में हर स्टेप में रेडिकल बनते जाते हैं तो इस तरह से बच्चों कई सारे एथिन मॉलिक्यूल आपस में अटैच होना शुरू हो जाते हैं अब जो तीसरा स्टेप है जब हमें चेन की ग्रोथ को स्टॉप करवाना है तो हम चेन टर्मिनेशन स्टेप इस्तेमाल करेंगे यहां पर क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड होकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाते हैं अब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसको उसकी दोनों साइड बेंजीन लगा होता है यानी अब आगे इस चेन की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो ये तीन स्टेप फ्री रेडिकल पॉलिमराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं अब क्वेश्चन देखिए राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन ऑफ द कॉमन इनिशिएटर यूज इन द फ्री रेडिकल एडिशन पॉलिमराइजेशन तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि यहां पर मोस्टली पोरॉक्साइड यूज होते हैं तो उन तीन प्रोक्साइड के नाम क्या है बेंजोइल पोरॉक्साइड एसिटाइल परोक्साइड एंड टर्सरी ब्यूटॉक्सी पोरॉक्साइड तो यहां पर बच्चों आपको केवल बेंजोइल परोक्साइड का ही स्ट्रक्चर बनाना है क्योंकि एक ही पूछा है तो सी सिक्स एच फाइव सी ओ और बीच में दो ओ और फिर इधर सी डबल बॉन्ड ओ और सी सिक्स एच फाइव ठीक है तो किसी एक परोक्साइड का आप यहां पर स्ट्रक्चर बना देना वो बेंजोइल परोक्साइड ही रहने वाला है क्लियर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स इसके एग्जाम्पल और इनके मोनोमर इनके यूज़ेस क्या है उस पर डिस्कस करेंगे तो जब सबसे कॉमन है हमारे पास पॉलीएथिन। पॉलीएथिन में जो मोनोमर है वो होता है एथिन सीएसटू डबल बॉन्ड सी एस टू क्लियर और पॉलीएथिन एक तरह का होमो पॉलीमर है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही पॉलीमर इन्वॉल्व होता है तो देयर आर टू टाइप ऑफ पॉली एक होता है लो डेंसिटी पॉली दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिन इनके शॉर्टकट यानी इनिशियल्स मैंने लिखे हैं एल डी पी एन एच डी पी अब इनमें डिफरेंस आपको समझना है पॉली का स्ट्रक्चर बना लो डेंसिटी पॉली में डेंसिटी कम है तो दो चेन के बीच में गैप ज्यादा होगा तो गैप ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं यहां पर ब्रांचिंग होगी और हाई डेंसिटी में गैप कम होगा तो ब्रांचिंग यहां पर कम होगी है ना तो इसी डिफरेंस को आपको समझना है तो पहला ये दूसरा वाला पॉइंट आप समझे उसको मैं पहला बना देता हूं दे हैव अ हाईली ब्रांच क्योंकि डेंसिटी तभी कम होगी जब ब्रांचिंग ज्यादा होगी और हाई डेंसिटी में दे हैव लीनियर मॉलिक्यूल ड्यू टू द क्लोज पैकिंग तो यहां क्लोज पैक है यहां पर हाईली ब्रांचिंग है क्लियर बनते कैसे हैं लो डेंसिटी पॉलीएथिन के लिए हाई प्रेशर और हाई टेंपरेचर की जरूरत पड़ती है जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथिन के लिए लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर यानी हाई में लो और लो में हाई इतना याद रखना है लो डेंसिटी पॉलीएथिन केमिकली इनर्ट होते हैं वो भी केमिकली इनर्ट होते हैं दोनों केमिकली इनर्ट होते हैं लेकिन जो लो डेंसिटी है वो टफ होते हैं बट दे आर फ्लेक्सिबल ये इंपॉर्टेंट है ब्रांचिंग होने की वजह से ये फ्लेक्सिबल होते हैं जबकि हाई डेंसिटी पॉली हार्ड होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं तो ये ज्यादा टफ होते हैं ये कम टफ होते हैं ऐसा समझ सकते हैं लो डेंसिटी पॉली आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रेस ऑफ डाई ऑक्सीजन और परऑक्साइड इनिशिएटर जैसा ऊपर हमने डिस्कस किया था इसकी मदद से इनको बनाया जाता है जबकि हाई डेंसिटी पॉलीएथिन को एक स्पेशल कैटालिस्ट जिसका नाम है जीगलर नेटा कैटालिस्ट इसकी मदद से बनाया जाता है जीगलर नेटा कैटालिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का फॉर्मूला होगा सी प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड यानी TiCl4 इन दोनों के मिक्सर को हम बोलते हैं जीगलर नट्टा कैटलिस्ट ये हाई डेंसिटी पॉलीएथिन को बनाने के काम आता है लास्ट अब ये पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कौन से लो डेंसिटी पॉलीएथिन इंसुलेशन की जरूरत जहां पड़ती है वहां इंसुलेटर में यूज होता है और दूसरा फ्लेक्सिबल है तो स्क्वीज बॉटल टॉयज और फ्लेक्सिबल पाइप बनाने के काम आता है जबकि हाई डेंसिटी पॉली हार्ड और टफ है तो इट इज यूज इन बकेट्स डस्टबिन बॉटल्स एंड पाइप जहां हमें हार्डनेस की जरूरत पड़ती है अनब्रेकेबल प्लास्टिक अब क्वेश्चन लगाते हैं देखो पहला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट लो डेंसिटी पॉली तो भाई लो डेंसिटी पॉलीएथिन टफ होता है हार्ड नहीं होता है क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है तो आंसर हो गया बी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हाई और हाईली ब्रांस तो है तो बच्चों ये फ्लेक्सिबल होता है इसीलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग दैटलिस्ट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीएथिन तो मैंने डिस्कस किया था एक स्पेशल कैटलिस्ट होता है जिसका नाम है जीगलर नट्टा कैटलिस्ट यानी बी और जिसका कॉम्बिनेशन है ट्राई एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड अब ये तो हो गया पॉली अब दो पॉलीमर हमारे पास और है पॉली जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं टेफ्लॉन टेफ्लॉन ठीक अब टेफ्लॉन का मोनोमर आपको समझना है मोनोमर होता है बच्चों सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू टेट्राफ्लोरोन है ना सी डबल बॉन्ड सी एथिन हो गया और चार इस पर फ्लोरिन लगे होते हैं हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हाँ एंड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये इस तरह बनाता है सी एफ टू सी एफ टू और आगे एन लगा दो इसको भी हम फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट की मदद से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बनाते हैं ये केमिकली इनेट होता है इट इज रेजिस्टेंस टू अटैक बाय कोरोसिव रिएजेंट। ये इंपॉर्टेंट है दैट्स व्हाई इट इज यूज टू मेकिंग ऑयल सील्स गास्केट एंड आल्सो यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कुकवेयर यूटेंसिल सरफेस ये काफी ज्यादा पूछा जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर जहां पर यूज होते हैं वहां पर टेफ्लोन की ही कोटिंग उन पर की जाती है क्लियर दूसरा है पॉली शॉर्टकट में पी ए एन इसका मोनोमर होगा और इसको हम विनाइल साइनाइड भी बोलते हैं क्लियर तो बच्चों ये मोनोमर है पॉलिमराइजेशन करके इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम बोलते हैं पोली नाइट्राइल तो जहां जहां नाइट्राइल होगा उसका मतलब साइनाइड इन्वॉल्व है तो ये एक तरह का एडिशन पॉलिमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड कैटलिस्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या देखो एक्राइलिक फाइबर है गुड रेजिस्टेंस टू स्टेन केमिकल्स इंसेक्ट एंड फंजाई हेंस इट इज़ ज ए सब्सिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर लाइक ऑरलोन और एक यानी ये एक तरह का फाइबर होता है जो एनिमल वूल को सब्सिट्यूट कर सकता है और इसके जो कमर्शियल नेम है वो क्या है ऑर्लोन एंड एक तो इससे हम ऐसे कपड़े बना सकते हैं जिनमें स्टेन केमिकल इंसेक्ट और फंजाई का कोई असर नहीं होता है अब क्वेश्चन देखते हैं द मोनोमर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ओरलोन इज सब्सिट्यूट फॉर वूल इज आर तो ओरलोन क्या है पॉली नाइट्राइल तो बच्चों आंसर हो गया एक्राइलो नाइट्राइल ठीक दूसरी टाइप की रिएक्शन होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। अब देखिए जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन उन मोनोमर के बीच होगा जिनमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो जब भी फंक्शनल ग्रुप वाले मोनोमर आपस में कंडेंसेशन करके पॉलीमराइजेशन करेंगे तो कुछ छोटे मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है जैसे वाटर एल्कोहल एटसेट्रा तो एक हाई मोलिकुलर मास कंडेंसेट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जिसको हमने पॉलीमर बोला अब जब कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलिमराइजेशन होगा तो यहां पर अलग अलग स्टेप होते हैं हर एक स्टेप में दो फंक्शनल ग्रुप आपस में कनेक्ट होके छोटे मॉलिक्यूल को लॉस करेंगे और एक नया कंडेंसेट प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस तरह हर स्टेप में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आपस में कनेक्ट होंगे That's why it is called step growth polymerization. अब देखिए बच्चों जो हर स्टेप में पॉलीमर बनेगा वो दूसरे स्टेप के पॉलीमर से अलग होगा दैट्स वाई इट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्लियर अब एग्जाम्पल समझते हैं तो पहला हमारे पास है पॉलीएमाइड। तो यहां पर पॉलीमर के बीच अमाइड लिंकेज देखने को मिलती है तो अमाइड लिंकेज का मतलब होता है सीओ एन एच क्लियर अब देखो बच्चों अमाइड लिंकेज तभी पॉसिबल है जब एक मोनोमर के पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो और दूसरे मोनोमर के पास अमीनो ग्रुप तो यहां पर हम इसी तरह के पॉलीमर के बारे में डिस्कस करने वाले तो अमाइड के अंदर दो तरह के पॉलीमर होते हैं एक नाइलोन सिक्स सिक्स और दूसरा है नाइलोन सिक्स अब देखिए ये जो नाइलोन सिक्स सिक्स है इसमें जो सिक्स और सिक्स है वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है यानी कार्बन और कार्बन, टोटल बारह कार्बन प्रेजेंट होते हैं नाइलॉन सिक्स है इसमें दो मोनोमर होंगे एक होगा एडिपिक एसिड फॉर्मूला है सी डब्लो एच सी एस टू फोर एंड सी डब्लो एच इसको हम बोल सकते हैं हेगेन वन सिक्स डाई ओइक एसिड तो ऑल्सो कॉल्ड एडिपिक एसिड और दूसरा मोनोमर होता है डाइ अमीन। देखो यहां पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक अमीनो ग्रुप है तो यहां पर ये दोनों रिएक्शन करेंगे यहां से ओ OH एच निकलेगा यहां से एच निकलेगा और बीच में इस तरह का एक अमाइड लिंकेज आपको मिल जाएगा दैट्स इट इज कॉल्ड पोलियमाइड तो बच्चों इस साइड अगर आप देखोगे तो छह कार्बन है और इस साइड भी आप देखोगे तो छह कार्बन है इसलिए इसको हमने कहा क्या कहा नाइलोन सिक्स सिक्स इसका यूज होता है टू मेक शीट्स टू मेक ब्रिसल्स ऑफ ब्रश और नाइलॉन सिक्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े बनाने में भी यूज किया जाता है दूसरा है नाइलॉन सिक्स यहां पर केवल कार्बन होंगे कितने कार्बन होंगे छह कार्बन होंगे यहां पर जो मोनोमर होता है उसका नाम है केप्रोलेक्टाम देखिए बच्चों दिस इज कैप्रोलेक्टाम तो कैप्रोलेक्टाम में टोटल आपको कार्बन देखने को मिलेंगे तीन चार पांच और छह तो जब हम कैप्रोलेक्टाम को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इस तरह का एक मोनोमर आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे एनएच है और इसके बाद क्या होगा CO इसी तरह ये आगे बढ़ता जाएगा या CO है तो यहां क्या होगा बच्चों NH तो टोटल पांच कार्बन यहां पर और एक कार्बन यहां पर इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलोन सिक्स इसका मोनोमर कौन सा होगा कैप्रोलेक्टाम अब इसका यूज क्या होता है तो नाइलोन सिक्स इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स फैब्रिक्स एंड रोप्स ये जो यूज है बच्चों ये काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो इनको भी याद रखना जरूरी अब तीन क्वेश्चन है पॉलीअमाइड से रिलेटेड पहला ट आर द मोनोमैरिक रिपीटिंग यूनिट इन नाइलोन सिक्स एंड नाइलोन सिक्स तो नाइलोन दो मोनोम होते हैं एक होता है एडिपिक एसिड दूसरा होता है Hexamethylene -Diamine. और जो नाइलोन सिक्स है उसकी मोनोमेरिक यूनिट है कैप्रोलेक्टाम क्लियर दूसरा द रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट इन नाइलोन सिक्स तो नायलोन सिक्स में रिपीटिंग यूनिट कौन सी होती है ये देखिए टोटल छह कार्बन होंगे ना तो बी वाला आंसर सही है सी ओ और NH पांच कार्बन या एक कार्बन या छह कार्बन क्लियर कार्बन का ही ध्यान रखना है तीसरा नाइलोन सिक्स इज ए पॉली अमाइड ऑप्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सा मिथाइलिन तो टोटल बारह कार्बन होने चाहिए देखो चार पांच और छह और बीच में भी छह कार्बन है तो यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर दूसरे टाइप के कंडेंसेट पॉलीमर है पॉली एस्टर यहां पर एस्टर लिंकेज होती है एस्टर लिंकेज का मतलब आर सी डबल ओ आर तो ये इस तरह कुछ होगा इस तरह आपको देखने को मिलेगा है ना इट इज एस्टर लिंकेज अब देखिए बच्चों एस्टर लिंकेज उन मोनोमर में पॉसिबल है जहां पर दो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एल्कोहल तभी जाके एस्टर की फॉर्मेशन होंगी डाइ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायऑल यानी यहां पर एक एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा एक मोनोमर में और दूसरे मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है डेक्रोन या टेरिलीन अब यहां पर मोनोमर कौन से हैं तो बच्चों जो डेक्रोन है या टेरिलीन है उसमें दो मोनोमर होते हैं एक होता है इथाइलिन ग्लाइकोल जिसको हम ग्लायकोल या एथेन वन टू डायल भी बोलते हैं यहां पर फॉर्मूला है सी एस टू ओ एच एंड सी एस टू ओ एच और दूसरा होता है टेरिथेलिक एसिड टेरिथेलिक एसिड में बेंजीन रिंग में बेनजिन पोजिशन पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होते हैं तो यहां से निकलेगा एच और इधर से निकलेगा ओ एच तो यहां पर आपको इस तरह की लिंकेज देखने को मिलेगी दिस इज एस्टर लिंकेज तो इथेनॉल ग्लाइकोल का इतना हिस्सा और टर्थलिक एसिड का इतना हिस्सा आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं टेरिलीन या डेक्रोन इसी को हम बोलेंगे पॉली एस्टर. अब यहां पर एक कैटलिस्ट का यूज किया जाता है दिस कैटलिस्ट इज नोन एज जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राई क्योंकि मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं कैटलिस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलीमर को बनाने में और टेम्परेचर आपको याद रखना है हमेशा ध्यान रखना बच्चों टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस इन तीनों की मदद से ही पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है अब ये जो डेक्रोन है या टेरिलीन है ये कहां यूज होता है तो इट इज अ टाइप ऑफ फाइबर इट इज रेजिस्टेंस टू क्रीज क्रीज मतलब जो कपड़ों पर सिल्वर पड़ती है उसको हम क्रीज बोलते हैं तो इससे ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जो सिल्वर्ड फ्री होते हैं यानी आप उनको मोड़ के कैसे भी रख दो वो दोबारा एसच हो जाएंगे इट इज मिक्स विद या ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर एंड ऑल्सो एज ए ग्लास रेनफोर्सिंग मटीरियल इन द सेफ्टी हेलमेट्स तो सेफ्टी हेलमेट्स में भी इनका यूज किया जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन एंड वूल के साथ मिक्स करके फाइबर का निर्माण किया जाता है तीसरे टाइप का पॉलीमर है फिनोर फॉर्मेल पॉलीमर जिसको हमने कहा बैकेलाइट तो इसमें दो मोनोमर होते हैं एक फिनॉल और दूसरा फॉर्मेल अब बनता कैसे है ऊपर मैंने ये लिखा है बच्चों ये आप ध्यान से पढ़ लेना इसी को मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यहां पर है फिनॉल और ये है फॉर्मेल तो सबसे पहले फॉर्मेल फिनॉल पर अटैक करेगा अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है जब फिनॉल पर फॉर्मल अटैक होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिक्सूशन रिएक्शन तो फिनॉल ऑर्थो पैरा डायरेटिंग ग्रुप है तो यहां पर एक पोजीशन ऑर्थो ले लेगा और दूसरी पोजीशन पैरा ले लेगा या ऑर्थो और पैरा दोनों आ सकते हैं क्लियर तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा दूसरी बार रिएक्शन करोगे तो पैरा तीसरी बार रिएक्शन करोगे तो दो ऑर्थो और एक पैरा पोजिशन पर फॉर्मेल देखो सी एस टू ओ एच ग्रुप अटैच हो गया है क्लियर अब क्या होगा ये जो पैरा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल है ये आपस में रिएक्शन करके इस तरह का एक लीनियर पॉलीमर बनाते हैं और इस लीनियर पॉलीमर का नाम है नोवोलेक कई बार क्वेश्चन आता है कि पहले फिनॉल और फॉर्मेल डिहाइड्रेशन करके कौन सा पॉलीमर बनाते हैं तो बच्चों उसका नाम है नोवोलैक इट इज लीनियर पॉलीमर। तो जो है उसका यूज होता है पेंट की फॉर्मेशन में तो आपको याद रखना है नैरोलेक आपने एड की रौनक बढ़ानी हो तो नैरोलक का इस्तेमाल करना है तो नैरोलेक रिलेटेड टू नोवोलेक यूज इन देंट अब क्या होता है कि कई सारे नोवोलैक पॉलीमर को अगर हम हीट करें विद फॉर्मेलिटी दोबारा से वापस नोवोलेक फॉर्मेलिटी के साथ रिएक्शन करके एक क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाता है उस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का नाम है बैकेलाइट तो नोवोलेक और बैकेलाइट में बेसिक डिफरेंस यही है नोवोलेक इज ए लीनियर चेन पॉलीमर वाइल बैकेलाइट इज ए क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर तो यहां पर देखिए ये सारे नोवलक है एक नोवलक ये रहा दूसरा नोवलक ये रहा तो ये दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग हो गया तो इसी को हम बोलते हैं बैकेलाइट और बैकेलाइट काफी हार्ड टफ और हीट रेजिस्टेंस पॉलीमर है दैट्स वाई इट इज यूज टू मेक कॉम्स फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल जो हमारे प्रेशर कुकर कढ़ाई में जो हैंडल यूज होता है वो बैकेलाइट के ही बने होते हैं क्योंकि काफी हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है अब क्वेश्चन देखिए द बैकेलाइट इज मेड अप फ्रॉम फिनॉल एंड फॉर्मेल डिहाइट द इनिशियल रिएक्शन बिटवीन द टू कंपाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ तो इट इज अग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्यूशन रिएक्शन तो ए विल बी द करेक्ट आंसर सबसे पहले फिनॉल पर CH2OH एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा इसीलिए ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम उसको नाम देंगे दूसरा नोवोलैक इज नोवोलैक इज ए टाइप ऑफ लीनियर पॉलीमर क्लियर तो बी विल बी द करेक्ट आंसर चौथे टाइप का पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर दो मोनोमर है एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा मेलामाइन तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह का एक रिंग है जहां पर नाइट्रोजन कार्बन को रिप्लेस करके अल्टरनेट आ गए हैं और तीन अमीनो ग्रुप जो है इस तरह से लगे हुए हैं उसके बाद फॉर्मेल तो क्या होगा फॉर्मेल जो है इस अमीनो ग्रुप के साथ न्यूक्लोफ्लिक एडिशन रिएक्शन करता है बच्चों तो यहां पे मेला माइन पर फॉर्मेल अटैक करेगा कर इस तरह का एक एडिशन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट या रेजिन इंटरमीडिएट उसके बाद कई सारे रेजिन इंटरमीडिएट आपस में कनेक्ट होगी इस तरह का एक पॉलीमर बना देते हैं जो लेफ्ट राइट right और बॉटम तीनों तरीके से क्रॉस लिंक्ड बनाएगा दैट्स वाई इट इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड और मेलामाइन फॉर्मेल पॉलीमर इसका यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अनब्रेकेबल क्रॉकरी ऐसे बर्तन जो इजिली ब्रेक नहीं होते तो चलिए बच्चों नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं को जैसा वर्ड बताता है को यानी ऐसा पॉलीमर जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं दिस पॉलीमर इज कॉल्ड को एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड को कोपॉलीमर को दो तरह से बन सकता है चेन ग्रोथ पॉलिमराइजेशन के थ्रू एज वेल एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के थ्रू दोनों मैकेनिज्म इसमें पॉसिबल है यहां पर दोनों मोनोमर की मल्टीपल यूनिट आपस में कनेक्ट होकर एक लॉन्ग पॉलीमर चेन का फॉर्मेशन करती है फॉर एग्जाम्पल वन थ्री ब्यूटाडाइन एक मोनोमर हुआ और स्टाइरिन एक दूसरा मोनोमर है। दोनों आपस में जुड़ के एक पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्यूना एस इट इज ए को कोपोलिमर की प्रॉपर्टीज होमोपॉलीमर से काफी अलग होती है अब वन बाय वन हम सारे एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं पहला हमारे पास है रबर तो बच्चों जैसा आपने ऊपर पढ़ा होगा रबर में इलास्टिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है Hence, it is called elastomer. तो जो elastomer होते हैं, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है ताकि वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस कर सके तो रबर दो तरह के होते हैं नेचुरल रबर एज वेल एज सिंथेटिक रबर पहले डिस्कस करते हैं नेचुरल रबर नेचुरल रबर इज ए टाइप ऑफ लेटेक्स इट इज ऑबटेन फ्रॉम बार्क ऑफ रबर ट्री इट इज ए कोलाडल डिस्पर्जन ऑफ रबर इन वॉटर एक तरह का कोलेडल डिस्पर्जन है अब अगर केमिकल नेचर देखें हम नेचुरल रबर का तो इसके अंदर एक मोनोमर होता है जिसका नाम है आइसोप्रीन और आइसोप्रीन को और इलाबोरेट करें तो इट इज लाइक दिस और डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड यहां अगर इसका नेमिंग करें तो बच्चों इसको हम बोलते हैं टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटाडाइन तो ये मोनोमर यूनिट आपस में कनेक्ट होके नेचुरल रबर को बनाती है अब जो यूनिट है वो सिस भी हो सकती है और ट्रांस भी होती है कई बार इस पर क्वेश्चन आता है तो इट इज द लीनियर पॉलीमर ऑफ सिस वन फोर पॉलीआईसोप्रीन ये ध्यान रखना बच्चों इट इज अ टाइप ऑफ सिस यहाँ पर जो जुड़ने का तरीका होता है वो सिस फॉर्मेशन में जुड़ते हैं आपने जिसका नाम है टू वन थ्री और इस तरह से जुड़ते हैं सिस का मतलब दो छोटे ग्रुप एक साइड और यहां पर जो बड़े ग्रुप है देखो ये बड़ा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है दोनों एक साइड तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो ये वन और टू और इसको कंपेयर किया जाए तो ये वन और टू देखो आइडेंटिकल ग्रुप यानी आइडेंटिकल नंबर एक साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये किस तरह का अरेंजमेंट है ये सिस टाइप का अरेंजमेंट है इसलिए हमने इसको बोला सिस वन फोर पॉली आइसोप्री अब जैसा आपने पढ़ा था कि जो इलास्टोमर है उसमें वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं और ये कॉल्ड स्ट्रक्चर होता है इट इज हेल्ड द ऑल चेन आर हेल्ड बाई वीक वाल फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एंड इट हैज कॉल्ड स्ट्रक्चर अब एक क्वेश्चन देखिए नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ तो नेचुरल रबर कौन सा होता है बच्चों सिस आइसोमर ऑफ टू मिथाइल वन थ्री ब्यूटा डाइन बी लिव द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वलकेनाइजेशन ऑफ रबर देखिये बच्चों जो नेचुरल रबर है उसकी कुछ कमियां होती है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए उसकी कमियों को दूर करने के लिए हम रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटर तो नेचुरल रबर देखिए नेचुरल रबर प्लस सल्फर प्लस एक्टिवेटर और इसको हीट करते हैं तो हमें वल्केनाइज्ड रबर मिलता है तो जो वल्केनाइज्ड रबर होता है वो नेचुरल रबर से

वलकेनाइजेशन में जो सल्फर है वो डिफरेंट चेन के बीच क्रॉस लिंकिंग कर देता है देखो ये एक चेन है और ये दूसरी चेन है तो यहां पर जब डबल बॉन्ड है वहां पे सल्फर क्रॉस लिंक करके अपने आप को सेटअप कर लेता है दिस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्लियर नेचुरल रबर में क्या कमी थी और वल्केनाइजेशन रबर उसको किस तरह से दूर करता है देखो तो जो नेचुरल रबर है वो सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पे और ब्रिटिल हो जाता है लो टेम्परेचर पर नेचुरल रबर शो हाई वाटर एब्जॉर्बशन कैपेसिटी नेचुरल रबर इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन रेजिस्टेंस टू अटैक बाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये चार प्रॉपर्टी है जहां पर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे सॉफ्ट हो जाना लो टेम्परेचर पे बिटल हो जाना वाटर एब्जॉर्बन कैपेसिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्वल हो जाना और इजिली अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इन कमियों को दूर करता है जब हम उसका वलकेनाइजेशन करते हैं रबर का मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर टायर टायर बनाने के लिए तो वहां पर पांच परसेंट सल्फर का यूज किया जाता है फॉर क्रॉस लिंकिंग एजेंट अलग अलग कंटेंट हम सल्फर का यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज अब देखिए क्वेश्चन है डिस्कस द मेन पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर द मेन पर्पस ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर टू इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ रबर और जो मैंने आपको चार प्रॉपर्टी बताई थी उन्हीं में इंप्रूव होता है दूसरा हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन रबर इंफ्लुएंस दियर स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर वनडरवर्ल्ड फोर्स वीक रहता है और वंडरवाल फोर्स वीक होने की वजह से हम रबड़ को आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रबर विल इंक्रीज और विल एफेक्ट क्लियर नेक्स्ट हमारे पास है सिंथेटिक रबर तो तीन तरह के सिंथेटिक रबर है न्योप्रीन ब्यूना एस एंड ब्यूना एन जो वलकेनाइज रबड़ है वो एक तरह का सेमी सिंथेटिक रबर है क्योंकि उसमें सल्फर हम ऐड करते हैं नेचुरल सोर्स से रबड़ को निकाल के तो सिंथेटिक रबर आर एनी रबर लाइक प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच ट्वाइस एज लेंथ यानी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाती है सिंथेटिक रबर में द सिंथेटिक रबर आर आइदर होमो यानी केवल एक ही पॉलीमर होगा जैसे वन थ्री ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव और को ऑफ वन थ्री एंड विद अदर अनसे मोनोमर तो इसका मतलब यह कि सिंथेटिक में या तो वन थ्री का कोई डायरेवेटिव होगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे या तो वन थ्री के साथ कोई दूसरा मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मोनोमर यूज करके को पोलिमर बनाएगा पहले बात करते हैं न्योप्रीन न्योप्रीन इज द पॉलीमर ऑफ क्लोरोप्रीन तो यहां पर बच्चों मिथाइल ग्रुप को सीएल से रिप्लेस कर दिया गया है तो इसका नाम बनेगा टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटा और जब ये पॉलीमराइजेशन करेगा तो बनाएगा नियोप्रीन तो नियोप्रीन पॉलीमर हुआ उसका मोनोमर कौन सा हुआ क्लोरोप्रीन तो ये वन थ्री ब्यूटा का डेरिवेटिव है यानी एसोप्रीन यूनिट में थोड़ा सा चेंज करके हमने नियोप्रीन बना दिया क्लियर अब जो न्यूप्रीन है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन इसकी प्रॉपर्टी देखिए इट हैज सुपीरियर रेजिस्टेंस टू वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स ऑयल्स यानी ऑयल का इस पर कोई असर नहीं होता है दैट्स वाई इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट गास्केट्स एंड हॉसेस दूसरा पॉलीमर है ब्यूना एस ब्यूना स्टैंड फॉर वन थ्री ब्यूटा एन एन स्टैंड फॉर या विनाइल साइनाइड दो मोनोमर है तो ये डबल बॉन्ड यहां आएगा ये डबल बॉन्ड यहां आएगा इधर से एक डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो टोटल चार और दो छह कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाएंगे और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सी बच्चों ऊपर रहने वाला है दिस पॉलिमर इज कॉल्ड ब्यूना इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ परटलिस्ट यहां पर भी फ्री रेडिकल के थ्रू ही पॉलीमर बनने वाला है इट इज रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट्स वाई इट इज यूज टू मेकिंग ऑयल सील्स एंड टैंक लाइन तीसरा है ब्यूना एस ब्यूना स्टैंड फॉर वन थ्री एंड एस स्टैंड फॉर स्टाइरिन पॉलीमर सेम ब्यूना एन की तरह ही कनेक्टेड होगा यहां से डबल बॉन्ड इधर आएगा ये डबल बॉन्ड इधर आएगा एक डबल बॉन्ड इधर आएगा यहां से डबल इधर आएगा छह कार्बन की एक चेन बन जाएगी गुड सब्सिट्यूट फॉर नेचुरल रबर इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स फ्लोर टाइल्स फुटवेयर कंपोनेंट्स एंड केबल इंसुलेशन क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूना एन एन ब्यूना एस पहला डिफरेंस इनके मोनोमर से है दूसरा इनके यूजेस में है ब्यूना एस ऑटो टायर फ्लोर टाइल्स फुटवेयर कंपोनेंट्स इसमें यूज होता है जबकि ब्यूना एन ऑयल सील और टैंक लाइनिंग में यूज होता है क्लियर तो ये दो डिफरेंस आपको समझने लास्ट टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो पॉलीमर होते हैं, वो एक सॉलिड वेस्ट की तरह पॉल्यूशन कॉज करते हैं दे कैन नॉट डिग्रेड बाय द बैक्टीरिया तो इसीलिए कुछ ऐसे पॉलीमर की तरफ हम बढ़ेंगे ऐसे पॉलीमर बनाएंगे जो सॉलिड वेस्ट नहीं बनेंगे यानी पॉल्यूशन कॉज नहीं करेंगे तो बच्चों इसी कड़ी में साइंटिस्ट ने ऐसे मोनोमर से पॉलीमर बनाना स्टार्ट किया जहां पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नेचुरल पॉलीमर भी होते हैं तो नेचुरल पॉलीमर को बैक्टीरिया आसानी से डिग्रेड कर देगा तो ऐसे मोनोमर को आपस में जोड़ने से पॉलीमर बनाते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एलिफेटिक पॉलीएस्टर आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से पॉलीएस्टर जहां पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपस में कनेक्ट होते हैं दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमारे पास है एक का नाम है पीएचबीवी और दूसरे का नाम है नाइलोन टू नाइलोन सिक्स पहले बात करते हैं पीएचबीवी पीएचबीवी की फुल फॉर्म देखी जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एंड वेलरेट फुल नेम है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट हाइड्रोक्सी वेलरेट तो यहां पर दो मोनोमर है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और दूसरा है बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट अब देखो बच्चों एक मोनोमर यह रहा एक मोनोमर यार तो यहां से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो इसका नाम आएगा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटोनोहिक एसिड और दूसरा है थ्री हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड इट इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट अब यहां पर जो ओ एच है वो बीटा पोजिशन पर है क्योंकि ये अल्फा कार्बन है या बीटा कार्बन है यहां पर अल्फा कार्बन है या बीटा कार्बन है क्लियर अब बच्चों होगा क्या ये ओ OH और ये सी डबलएच आपस में कनेक्ट होंगे और ये ओ OH और दूसरे का OH सी डबल तो यहां का सीएस थ्री और यहां का सी टू एच फाइव मेन चेन से बाहर आ जाएगा देखो एक सी एस थ्री और एक सी टू एच फाइव तो यहां पर जो है ये ओ OH एच हो गया और ये सी डबल एच हो गया है ना तो ये एक मोनोमर और एक ये दूसरा मोनोमर ठीक तो क्या बना पी एच बीवी तो ये एक तरह की एस्टर लिंकेज है जो बैक्टीरिया आसानी से डिग्रेड कर सकता है अब यहां पर यूज क्या है दे आर यूज इन पैकेजिंग ऑर्थोपैडिक डिवाइसेस एंड कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग्स यानी जिनका बायोलॉजी से रिलेशन होता है दूसरा है नाइलोन टू नाइलोन सिक्स तो यहां पर दो कार्बन ये और छह कार्बन ये टोटल आठ कार्बन होंगे तो इसके जो मोनोमर हैं वो है ग्लाइसिन एंड अमीनो कैप्रोइक एसिड तो ग्लाइसिन में दो कार्बन है और अमीनो कैप्रोइक एसिड में छह कार्बन है तो हो गया नाइलोन टू नाइलोन सिक्स आपस में किस तरह के लिंकेज बनाएंगे अमाइड लिंकेज बनाएंगे है ना तो यहां पर ओ OH और इधर का एच आपस में वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देंगे तो बन जाएगा नायलोन टू नायलोन सिक्स तो यहां पर बच्चों दो कार्बन और यहां पर जो है छह कार्बन तो ये जो बायोडिगलेबल पॉलीमर है ये एक तरह के कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल भी है क्योंकि दो फंक्शनल ग्रुप आपस में कनेक्ट होकर कुछ छोटे मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास पॉलीमर अब एक टेबल आपको समझनी है जहां पर कुछ पॉलीमर दिए हैं उनके मोनोमर हैं उनके स्ट्रक्चर हैं और उनके यूजेस आपको पढ़ने हैं जैसे पॉलीप्रोपीन तो मोनोमर होगा प्रोपीन स्ट्रक्चर इस तरह से होगा इसका यूज होता है रोप्स टॉयज पाइप्स फाइबर एटसेट्रा पॉली स्टाइरिन मोनोमर होगा स्टाइरिन स्टाइरिन इस तरह से होता है इसका यूज है इंसुलेटर में रैपिंग मटेरियल में टॉयज बनाने में और रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट्स बनाने में दूसरा है पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड ये इसका स्ट्रक्चर है इसका यूज होता है टू फॉर्म रेनकोट्स ड बैग विनाइल फ्लोरिंग एंड वाटर पाइप यूरिया फॉर्मल रेजिन। एक यूरिया दूसरा फॉर्मल डिया मोनोमर होंगे इस तरह का पॉलीमर का स्ट्रक्चर बनेगा इट इज यूज फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट ग्लिप्टल अब जो ग्लिप्टल है उसमें दो मोनोमर है एक है इथालियन ग्लायकोल और दूसरा है थैलिक एसिड ये इसका स्ट्रक्चर हुआ इट इज यूज फॉर द मैनुफेक्चर ऑफ पेंट एंड एक चीज बच्चों में आपको बता दू एक है ग्लिप्टल और दूसरा है टेरेलिन दोनों लगभग एक जैसे मोनोमर को रखते हैं लेकिन जो ग्लिप्टल है थैलिक एसिड वन टू पोजीशन पर कनेक्ट होता है जबकि टेरेलिन में यहां पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वन फोर पोजिशन पर कनेक्ट होता है तो डिफरेंस केवल थैलिक एसिड और टर एसिड का है बस तो टेरेलिन में ये टर एसिड और ग्लिप्टल में थैलिक एसिड जबकि दोनों में इथालिन ग्लाइकोल कॉमन मोनोमर होता है लास्ट बेकेलाइट फिनॉल एंड फॉर्मेलडिहाइड का पॉलीमर है इस तरह ये क्रॉस लिंकिंग बनाता है इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल एंड कंप्यूटर डिस्क अब तीन क्वेश्चन हमारे पास है पहला राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर पहला है ब्यूना एस तो ब्यूना एस यानी वन थ्री ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरीन स्टाइरीन यानी बेंजीन एंड सी एच डबल बॉन्ड सी एस क्लियर ब्यूना एन ब्यूना एन में भी वन थ्री ब्यूटाडाइन होगा और एस एन की जगह नाइट्रल यानी विनाइल साइनाइड तो ये सी एन हो गया डेक्रॉन ऊपर मैंने डिस्कस किया था टेरेलिन डेक्रॉन इज आल्सो कॉल्ड टेरेलिन तो यहां पर इथाइलिन ग्लाइकॉल सी एस टू ओ एच एंड सी एस टू प्लस टर्थैलिक एसिड तो टर्थैलिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वन फोर पोजिशन पर यानी पैरा पोजीशन पर होंगे नियोप्रीन नियोप्रीन को हम बोलते हैं क्लोरोप्रीन टू क्लोरो वन थ्री ब्यूटा नेक्स्ट

राइट द नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर अब यहां पर तीन पॉलीमर है ये पहला है यहां पर कार्बन गिनिए देखो यहां पर छह कार्बन ये रहे और छह कार्बन ये रहे ये है नाइलोन सिक्स सिक्स नाइलोन सिक्स सिक्स अब यहां पर देखिये पांच और छह कार्बन है ये है नाइलोन सिक्स यहां पर देखिये सी एफ टू सी एफ टू ये है आपका टेफलोन नॉन-स्टिक इससे बनते हैं अब एक और क्वेश्चन करते हैं कॉलम वन को कॉलम टू से मैच करना है तो यह है पॉली एस्टर ऑफ ग्लाइकोल थैलिक एसिड तो इसका जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम है ग्लिप्टल ग्लिप्टल कहीं दिख रहा है ये ग्लिप्टल ठीक वन थ्री ब्यूटा और स्टारिन यानी ब्यूना एस तो ये इधर आ गया फिनॉल एंड फॉर्मेल इसको हम बोलते हैं नोवोलेक् तो इट है ना पॉलीएस्टर ऑफ़ ग्लाइकोल एंड टेरथालिक एसिड ये टेरेलिन या डेक्रोन हुआ और को पॉलीमर ऑफ वन थ्री एंड डाइन एंड एक्रोन एन ठीक तो बी विल बी द करेक्ट आंसर देखो ए का क्यू सही है बी का आर बी का आर ठीक है सी का पी सी का पी ठीक है डी का टी ये डी है और ये ई है डी का टी और ई का एस क्लियर तो ये हो गया पॉलीमर फिनिश आप क्या करना है इस चैप्टर के सारे इंटेक्स क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सॉल्व एग्जाम्पल आपको लगाने पूरे लगाने और समझने और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐप ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाए तो एक हमारा ऐप है जो कि तीन सौ रुपये में यह सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं ऑनलाइन दे सकते हैं कंबाइन टेस्ट सीरीज जल्दी आने वाली है डीपीबीज को डाउनलोड कर सकते हैं घर पे भी सॉल्व कर सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वहां पर मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स भी मैंने बना के दे रखे हैं और प्रिंटेड नोट्स भी है तो यानी एक ऐप के अंदर आपको सारी तैयारी मिलेगी और आप अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं तो चलिए बच्चों पॉलीमर में इतना ही कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं और ये जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है इसका पी डी एफ केमिस्ट्री पेज डॉट इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है थैंक यू वेरी मच